गाइज मोस्ट कस्टमाइजेबल रोम जो कि एंड्रॉयड 11 में भी मोस्ट कस्टमाइजेबल था एंड्रॉड 11 में भी एंड्रॉड 12 में भी मोस्ट कस्टमाइजेबल है कॉर्ड एनसेंट ओइज ऑफकोर्स एंसेंट ओवज में कुछ कस्टमाइजेशन मे भी यूजलेस हैं जिसको मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फीचर्स कुछ ज़्यादा लोग यूज़ करना चाहेंगे इसमें आपको कस्टमाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं फीचर्स कम देखने को मिलते हैं बात करते पहले चेंज की जो कैरी लेवल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कैरी लेवल में जो आप चलेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है समय स्टेटस बार लॉक स्क्रीन और बोथ जो कि हमें पहले ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था यहाँ ये ऑप्शन अवेलेबल है मैं इसे जरूर यूज करता हूं ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो कस्टमाइजेबल थिंग ये फीचर बेस्ड थिंग नहीं है लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल है और मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ उसके साथ साथ बात करेंगे कस्टमाइजेशन की तो बिल्कुल नेटवर्क ट्रैफिक मोनिटर के अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन अगर आप बैटरी के स्टाइल को कस्टमाइज करना चाहें यहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी आप देख सकते हाइट विथ मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सभी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं और इतना कुछ कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ तो मेरे ख्याल से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम चाहिए आपको इन सब चीजों को कस्टमाइज करने के लिए अगर आप थोड़े से फ्री हैं तभी आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे बाकी सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ यूजलेस फीचर्स और यूजलेस कस्टमाइजेशन इसमें आपको जरूर देखने को मिलती है लेकिन अगर बात करेंगे नॉर्मल कस्टमाइजेशन की तो मे बी सबसे ज्यादा कस्टमाइजेशन वाइल राइट नाव इसी में ही आपको देखने को मिलती है रिजर्वेशन में एक स्पेस जोन है एंड्रॉयड टेन है एंड्रॉयड इलेवन में भी आपको नहीं देखने को मिलता तो एंड्रॉयड ट्वेल्व में नॉट श्योर क्या हमें देखने को मिलेगा या नहीं अगर बात करेंगे बाकी सब चीज़ों की तो जो मुझे सबसे पसंद आया है इस वर्जन में वह है सेटिंग्स का होम पेज थीमिंग अब आपके पास फाइनली स्टॉक एवसपी लुक देखने को मिलेगा अगर हम चलेंगे सेटिंग्स को रिस्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इस तरह से आपको एंड्रॉड वर्ल्ड का क्विक एंड्रॉइड ट्वेल्ल का सेटिंग्स ऐप देखने को मिलता है जो कि एंसेडो में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड था और फाइनली उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से मुझे पर्सनली ये चेंज सबसे ज़्यादा पसंद आया है इस वर्जन में दैट इज़ वाई आई थॉट टू शेयर विद यू बहुत ही कमाल का अपडेट है अगर बात करेंगे इस चीज़ के बारे में बाकी सब चीज़ों के बारे में, में मेरे ख्याल से बात करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें बिल्कुल सेम है कस्टमाइजेशन हद से ज़्यादा हैं भरी पड़ी हैं अगर आपको कस्टमाइजेशन ज़्यादा पसंद हैं तो आप उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्विक सेटिंग स्टाइल्स के अंदर भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन हैं कुछ चीज़ें उसी टाइम काम कर जाएंगी कुछ चीज़ों के लिए सिस्टम यू को रिबूट करना पड़ता है मतलब को और आप कर सकते हैं उसके लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे काफ़ी सिंपल सी चीज़ें कस्टमाइजेशन के लिए एज एंड ओ में बहुत सारी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं तो अगर आपको इन सब चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास थोड़ा सा यू नो वेला टाइम होना चाहिए तभी आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आई एम नॉट एक्चुअली मैं यहाँ पर इस चीज़ को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ लेकिन इनसे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है अगर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते कस्टमाइजेशन में तो आप बटर इस कस्टम रूम को यूज़ मत करिए भाई काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए ये कस्टम रूम अवेलेबल है अगर आपके डिवाइस के लिए ये कस्टमर होम अवेलेबल है ऑफिशियली तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड करके कस्टम कवरी से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर ये चीज़ आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर अनऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हो मेरे ख्याल से नहीं होगा और आप एक्स एक्सडे पर ज़रूर चेकआउट कर लीजिए अगर आपके डिवाइस के लिए ये बिल्ड अवेलेबल हो बस यही सप्ताह आज की इस वीडियो में इंसेंटवेज एक मोस्ट कस्टमाइजेबल कस्टमूम में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।, में मेरी वेबसाइट पर जाकर आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं दिस इज ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो गुड बाय Like I'm floating through the air